हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेड टिप्स चैनल में। और आज के वीडियो का टॉपिक है एक पोर्टफोलियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये पोर्टफोलियो मुझे लखपति से करोड़पति ज़रूर बनाने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैंने यहां पे शेयर सिलेक्ट किए हैं NSE के वेबसाइट से, अच्छे अच्छे सेक्टर से मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। और मुझे मालूम है ये शेयर डेफिनेटली ग्रो करेंगे और मुझे फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न्स भी देंगे, वो भी डिविडेंड के साथ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। जिस तरह से आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे, वैसे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे नए नए स्ट्रैटेजीज वीडियोस और मैं बोल सकता हूँ पोर्टफोलियोस अपलोड करने के लिए दोस्तों। तो आपका मुझे थोड़ा कॉपरेशन चाहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते दोस्तों, मैंने ये पोर्टफोलियो कहाँ से निकाला है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो NSE के वेबसाइट पर आपको आना है। और NSE के वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे इक्विटी और SME मार्केट में जाना है। आप जब भी पोर्टफोलियो बनाएंगे दोस्तों, आप अपना रिसर्च कीजिए दोस्तों, हर एक सेक्टर से एक ऐसा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक सिलेक्ट कीजिए जो आपको लगता है लॉन्ग टर्म में आपको पैसा डबल करके देगा दोस्तों। ऐसे स्टॉक ढूंढ निकालिए जो आपको रेगुलर टाइम पीरियड पे डिविडेंड भी पे आउट करेगा। इन केस अगर वो स्टॉक अगर एक साल में नहीं भागता लेकिन आपको डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है, तो आपको डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के यहाँ पे देखना है दोस्तों, नीचे ये जो है सेक्टरल इंडाइसिस, यहाँ पे आप हर एक सेक्टर से एक बेस्ट स्टॉक चीज सिलेक्ट कर सकते हो। और उन स्टॉक्स में आप दोस्तों हर महीना 10 to 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो SIP के तरह। जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे दिया है यहाँ पे पोर्टफोलियो को नाम करोड़पति पोर्टफोलियो, जो मुझे मालूम है और मुझे गारंटी है ये स्टॉक्स मुझे डेफिनेटली करोड़पति बना के छोड़ेंगे अगर मैं राइट टाइम से इनमें इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा टिल नेक्स्ट 5 to 8 years के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट में हमें आप लिया है हीरो मोटोकॉर्प। सब लोग हीरो मोटोकॉर्प्स के तो बाइक यूज़ करते दोस्तों, कहाँ पे भी जाना है तो मोस्टली आप देख सकते हो हीरो मोटोकॉर्प के बाइक से आपको मिलते हैं। तो मैंने वहाँ पे 10% का वहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अगर मैं 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं 1,00,000 में से 10,000 रुपया हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स बाय कर दूंगा दोस्तों। सेकेंड है टाटा मोटर्स। डेफिनेटली टाटा मोटर्स मैं क्यों बाय करूँगा दोस्तों, अभी EV का ज़माना आ गया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, उसमें टाटा मोटर्स एक लीडिंग कंटेंडर है दोस्तों, और लीडिंग कंटेंडर को मुझे मिस आउट नहीं करना है। मैंने बहुत सारे ऑप्शन भी देखे, जैसे कि मारुति सुजुकी है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल के कंडीशंस में टाटा मोटर एक बेटर चॉइस लगा, तो इसीलिए मैंने टाटा मोटर्स को सिलेक्ट किया है। और वहाँ पे मैं उसको 10% मैं वहाँ पे अलॉट कर दिया है 1,00,000 रुपये में से। थर्ड स्टॉक है टाटा पावर, जो एनर्जी सेक्टर से है। टाटा पावर क्यों दोस्तों, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स आए हैं तो उनको वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर भी प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स टाटा मोटर्स ग्रो होगा, तो डेफिनेटली टाटा पावर भी ग्रो होगा उसके साथ में, और ऑलरेडी ग्रो हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हो टाटा मोटर और टाटा पावर का गैप कि कितना वो बड़ा है पिछले 1, 2, 3 महीने से। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा सा अच्छा रिटर्न्स उसने दिया होगा, आप उसका ग्राफ चेक कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा जो तीसरा स्टॉक है टाटा पावर, वो एनर्जी सेक्टर से है। पहले 2 स्टॉक्स मैंने ऑटो से लिए, अभी हम लोग आगे चलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज से। वहाँ पे HDFC AMC से बेटर मुझे और कोई स्टॉक लगा ही नहीं दोस्तों। रेगुलर डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा उसमें स्टॉक ने अपमर्ड भी दिया है दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे HDFC AMC बहुत अच्छा लगा स्टॉक। वहाँ पे मैंने उसको 7% का वहाँ पे मैंने अलॉटमेंट कर दिया। FMCG दोस्तों, फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स में FMCG में हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे भी स्टॉक्स है वहाँ पे, लेकिन मुझे हिंद यूनिलीवर का, देखिए प्रोडक्ट्स आपको हर घर में मिलेंगे, मेरे घर में भी 10 में से 7 प्रोडक्ट्स तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की रहती थी। तो मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर से बेटर स्टॉक FMCG कोई लगा ही नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे 10% वहाँ पे अलॉट कर दिया मैंने ये पोर्टफोलियो के लिए। माइंडट्री और विप्रो, ये जो है ये IT सेक्टर्स के शेयर से। आप देख सकते हो कि माइंडट्री ने कितने बढ़िया प्रॉफिट दिए हैं गया 1 साल में दोस्तों। अराउंड आपको 1,00,000 रुपया आपको अराउंड 3 या 4 लाख रुपया हो जाता अगर आप माइंडट्री का गैप और चार्ट पढ़ेंगे दोस्तों। माइंडट्री ने ऐसे सुपर रिटर्न्स दिए हैं,
आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। और विप्रो का भी सेम है, अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है और अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है विप्रो में, और साइड बाय साइड विप्रो आपको डिविडेंड भी पे करता है दोस्तों। अगर मैं एक चांस लूँगा दोस्तों कि कोई स्टॉक इतना बड़ा नहीं एक साल में, लेकिन मुझे एक गारंटी है कि इनमें से अच्छे स्टॉक्स भी हैं जो मुझे रेगुलर पे डिविडेंड पे आउट करेंगे दोस्तों, तो मुझे कुछ ना कुछ इनकम तो जनरेट होगा इन शेयर से दोस्तों। तो ये दो शेयर्स मैंने लिए हैं माइंडट्री और विप्रो आईटी सेक्टर से। उसके बाद में दोस्तों 8 नंबर पे है टाटा स्टील जो मेटल सेक्टर से आता है, और उसमें 5% का मैंने वहाँ पे मार्जिन रखा है अलॉटमेंट करने के लिए। फार्मा से मैंने सिप्ला लिया है, सिप्ला से बेटर कोई ऑप्शन आपको लगता है तो आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे सिप्ला एक रीजनेबल प्राइस पे लगा जहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सिप्ला में 5% का लिया है। और मेट्रोपॉलिस लैब है जो मैंने हेल्थ केयर सेक्टर में लिया है, मेट्रोपॉलिस ने भी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है, और बहुत सारे लैब से जो आप हेल्थ केयर सेक्टर में सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने मेट्रोपॉलिस उसके परफॉर्मेंस के वजह से लिया है यहाँ पे। और रियल्टी सेक्टर में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी अच्छा खासा कर रहा है अभी दोस्तों, और बहुत सारे स्टॉक्स है लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अभी अपमू जस्ट स्टार्ट हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिया है। तो ऑयल एंड गैस में दोस्तों बहुत से स्टॉक्स है, लेकिन महानगर गैस लिमिटेड अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो CNG भी अभी बहुत सारे प्राइजेस बढ़ने के बाद महंगा हो गया है, तो डेफिनेटली महानगर गैस को इसका बेनिफिट होने वाला है, ज़्यादा प्राइस बढ़ने से उनको भी प्रॉफिट भी होने वाला है दोस्तों। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर से मैंने महानगर गैस लिमिटेड लिया है। और बैंकिंग में HDFC बैंक, किसको नहीं मालूम दोस्तों HDFC बैंक, एक नंबर पे है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में, अच्छा खासा उसका रिस्पॉन्स है बैंक का, और मुझे यहाँ पे HDFC बैंक का जो ग्रोथ लग रहा है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो HDFC बैंक में मैंने 10% का अलॉटमेंट करके रखा है। और अंबुजा सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन लाइन्स में है, सीमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, अंबुजा सीमेंट्स में भी मुझे अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। अंबुजा सीमेंट की प्राइस भी रिजनेबल है, अराउंड 400 to 405 के आसपास चल रहा है अभी, तो उसके भी मैं अच्छे खासे स्टॉक्स यहाँ पर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। इन शेयर्स में अगर मैं 10 लाख भी इन्वेस्ट करता दोस्तों, आपको अगर 10 लाख इन्वेस्ट नहीं करना है आपके मनी से, तो आप एक ऐसे वेबसाइट है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देखिए नियो स्टॉक, यहाँ पे आप बाय करके रखिए। अगर आपको ये स्टॉक्स पे भरोसा नहीं है तो ये स्टॉक आप यहाँ पे बाय करके रखिए, आपको यहाँ पे अपने पैसे नहीं लगाने हैं। यहाँ पे आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे वर्चुअल, जो असली नहीं होते वो आप यूज़ करिए और यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाइए जैसे मैंने बनाया है दोस्तों। ये आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आप भी अपना पोर्टफोलियो बनाइए और यहाँ पे ट्राई करिए कि आपका पोर्टफोलियो क्या कितना परसेंट जनरेट करता है, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, और आप उस तरह से अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किए दोस्तों। तो मैं भी अभी यहाँ पे ये देख देख के अभी मैंने खुद का यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने बैठ के बहुत सारे रिसर्च के बाद ये पोर्टफोलियो बनाया दोस्तों, और ये पोर्टफोलियो में मैं अभी इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। हर महीने कम से कम 15 to 25,000 के अराउंड मैं यहाँ पे इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करूँगा, क्यों मुझे लॉन्ग टर्म में करोड़पति बनना है दोस्तों, और यही स्टॉक से जो मुझे डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे स्टॉक्स मालूम है कोई नए स्टॉक्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आप भी अपना ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका मेरा अच्छा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मैंने आपको बार बार बताया आपका कॉपरेशन मुझे चाहिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करने के बाद डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।